नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक पहले मैंने करवाया था जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख झील ने, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड की कौन कौन सी झील है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ देर के लिए कॉपी पेन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये चीजें समझने की होती हैं, याद या रट्टा मारने की नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड की प्रमुख जिले कौन सी हैं। अच्छा, ये बात है सिंपल, आप लोग पढ़ने वाले हो, उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? देवभूमि बोलते हैं। भाई कहाँ घूमने जा रहे हो? देवभूमि जा रहा हूं, देवभूमि यानी कि उत्तराखंड, है ना? इसी के ऊपर हमारी वीडियो बन जाएगी और इसी के ऊपर हमारी जिले कवर हो जाएंगी। देखो कैसे, देवभूमि है ना, तो वहां पे कौन सी मिलेगी? देवताल झील। देवताल झील, देखो देवताल झील है ना, इसकी मान्यता है कि ये देवताओं का तालाब है। पुरानी मान्यता है कि देवताओं का तालाब है, इसलिए इसका नाम देवताल है, झील है। तो ये उत्तराखंड की प्रमुख झील है देवताल झील। अब देवता देवता है ना, तो मैं सूरज को देवता बोल दूं? सूरज को देवता बोल दूं? सूरज देवता होता है, तो सूरज ताल झील दूसरी होगी, सूरज ताल झील। अब एक बात बताओ मुझे, महाभारत में भीम था, मैं ये ट्रिक के तौर पे आपको बता रहा हूं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि भीम की नानी उत्तराखंड में रहती थी, बस उसी को ले लो। तो भीम भीम की नानी कहाँ रहती थी? उत्तराखंड में। तो भीम ताल झील। अब भीम की नानी जब उत्तराखंड में रहती थी, तो अपनी नानी से मिलने जरूर जाएगा बंदा। आप भी अपने नाना नानी के घर जाते थे ना, तो ये भी जाएगा। तो कौन सी झील होगी वो? नानी यानी कि नैनीताल, नैनीताल झील। अब दोस्तों, लेकिन एक समस्या हो गई कि जब भीम अपने नानी के घर जा रहा था, तो उसको पता चला कि नानी का तो हो गया स्वर्गवास हो गया, नानी की जो सर्विस हो गई बुढ़ापे में, उसको ऊपर वाले ने उठा लिया। अब नानी के घर जाएगा तो किस मुंह से जाएगा? सोचा यार मैं एक माला ले जाता हूँ नानी के, उस पे पार्थिव शरीर पे अर्पण कर दूंगा। तो कौन सी होगी दोस्तों वो? माला, माला लेके जाएगा भीम। अब माला ताल झील, कौन सी झील होगी जी? माला ताल झील, यानी कि उत्तराखंड की प्रमुख झील ने। उत्तराखंड को आप देवभूमि बोलते हैं, है ना? तो देवभूमि बोलेंगे तो देव को ले लो भाई, देव ताल झील, देवता झील हो गई। अब देव तो सूरज भी है, सूर्य देवता, तो सूरज ताल झील हो गई। अब इनको देखने के लिए भीम की नानी भी रहती थी, उत्तराखंड में रहती थी, तो भीम की नानी रहती थी भीम ताल झील। अब अपना नानी के घर तो बच्चे जाते हैं, भीम भी जाएगा नैनीताल झील। अब दोस्तों, लेकिन भीम जब अपने नानी के घर गया, तो नानी एक्सपायर हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि नाना के घर से कैसे जाऊंगा, नानी तो एक्सपायर हो गई, क्यों ना एक माला ही ले जाऊं, तो माला ताल झील। ठीक है जी। अब देखो, इनमें से है ना भीमताल झील है ना, वो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है जी? भीमताल। अब देखो, आप इसको याद भी कैसे कर सकते हो, भीमताल, भीम का शरीर सबसे बड़ा था, मजबूत था महाभारत में, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? भीमताल हो गई। ठीक है जी। अब इसमें एक झील और है यार, अब भीम है ना वो काफी सुंदर था, एक झील और है, उसका नाम है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील दोस्तों, रूपकुंड झील कहां पर है? रूपकुंड झील भी उत्तराखंड में है। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम हो गई, रूपकुंड झील है ना, जब 1942 में
यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी तो यहाँ पे बहुत से नरकंकाल मिले थे, स्केलेटन मिले थे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, क्या हो गया, स्केलेटन झील, यानी कि कंकाल झील भी बोलते हैं, कंकाल झील बोलेंगे। अब इतने लोगों के नरकंकाल मिले हैं तो कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, तो उसके लिए क्या है रहस्य है ये आज तक कि इतने नरकंकाल इकट्ठे लगभग 400-500 के आसपास मिले थे, वो कहां से आए, कब आए, क्यों आए, तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहते हैं, रहस्यमय झील भी किसको बोलते हैं, रूपकुंड झील को बोलते हैं। अब देखो इसका मैं एक लॉजिक बतलाऊं, मैं देखो भगवान ब्रह्मा ने सबसे सुंदर रचना बोलते हैं कि बहुत सी रचनाएं हैं आदमी बनाया, लेकिन लेडीज को भी सुंदर बना दिया। अब सुंदर लेडीज बोलते हैं ना, रूप तो बहुत सुंदर है इसका, लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो पीछे क्या बचता है, कंकाल बचता है, कुछ नहीं बचता ना, रंग कहते हैं गोरे रंग का ना इतना गुमान कर, तो वही बात है कंकाल हो गया। अब रहस्य ऊपर वाले की दिव्य संरचना है ना, तो रहस्य हो गया, तो रहस्यमयी झील कौन सी हो गई, रूपकुंड झील। इसमें इंपॉर्टेंट है देवताल झील कहाँ है, उत्तराखंड में, सूरजताल झील कहाँ है, उत्तराखंड में, भीमताल झील कहाँ है, उत्तराखंड में, कुमाऊं चक्कर की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है, भीमताल झील, नैनीताल झील और मालाताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में, 1, 2, 3, 4, 5, तो उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कितनी है, 5 प्रमुख झीलें हैं दोस्तों, इनको आप भूल मत जाना, ये एक लॉजिकल चीजें हैं, अगर आप इस लॉजिक को समझ जाओगे तो भूलोगे नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, सॉरी एक ये भी है दोस्तों, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई, मैं इसको भूल गया था, रूप वाली बात को मैं भूल गया था, तो 1, 2, 3, 4, 5 और रूपकुंड झील, टोटल कितनी झीलें हो गई, 6 झीलें हो गई, तो आप इसको याद कर लेना। मैं एक बार फिर रिवाइज कराऊं, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि है तो देवभूमि है तो देवता आएंगे नहाने के लिए, देवताल झील, देवता सूरज भी है, सूरजताल झील, अब भीम की नानी भी उत्तराखंड में रहती थी, भीमताल झील, नानी से मिलने गया नैनीताल झील, उसके बाद नानी एक्सपायर हो गई, मालाताल झील, और जो रूपकुंड झील भी वहीं पे है, वहां पे बहुत से ज्यादा 1942 में क्या हुआ था, वहां पे खुदाई की गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे नरकंकाल मिले थे, तो कंकाल झील होने का कैसे आए, तो भाई जिसको रहस्यमय झील भी बोलते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कितनी हो गई, 6। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा हमारा लॉजिक, दोस्तों अगर लॉजिक पसंद आया हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और ज्यादा वीडियो बना के आपको दे सकूं, और तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।